वेलकम टू ईटाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। अ शो व्हिच गिव्स यू द डेज लोडाउन ऑफ ऑल द बेस्ट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर। तो इंतजार किस बात का, लेट्स टेक अ लुक एट टुडेज हेडलाइंस। कंगना रनौत ने क्यों साधा रणबीर कपूर पर निशाना। पॉपुलर यूट्यूबर भुवन बाम ने की जूम से एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन। रणबीर और आलिया और somebody like that, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमको हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। अरे रणबीर कपूर वाज टेलिंग somebody कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो। सो हाउ ये देश ने आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। How can you talk like that? कंगना रनौत ने रणबीर कपूर पर साधा निशाना। कुछ ऐसे एक्टर्स हैं मैं जानती हूँ, आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणबीर और आलिया और somebody like that, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमको हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग somebody कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो। सो हाउ ये देश ने आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट। हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात करते, दिस इज इररिस्पॉन्सिबल। दरअसल ये मौका था कंगना की फिल्म मनी करने का की सक्सेस बैश का, जहां कंगना ने रणबीर को आड़े हाथों लिया, वहीं उनकी कजन सिस्टर करीना की तारीफ भी की। करीना इज एब्सोल्युटली लवली एंड आई थिंक शी इज वन ऑफ दोस वेरी ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड पीपल। आई ऑलवेज सी हर एंड आई फील दैट, यू नो यार, मतलब एक कलाकार हो तो ऐसी हो, वाइफ हो तो ऐसी हो, माँ हो तो ऐसी हो, यू नो, शी इज़ दी एपिटमी ऑफ अ परफेक्ट वूमन। और वो हमेशा मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं, बहुत प्यारे मैसेजेस भेजती हैं। लेकिन उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि यू नो शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू मी। कंगना फिल्म मनी कर्णिका की सक्सेस से जहाँ खुश दिखाई दी, तो वहीं फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज किए जाने पर दिया ये जवाब। व्हेन अ फिल्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड दे हैड द डीसीपी विच इज़ द डिजिटल कॉपी, उसको उनसे छीनने के लिए आर्मी भेजनी पड़ेगी जो हमने ऐसे ही बाई एयर भेजी थी, लेकिन उन्होंने मेरी डीसीपी वापस नहीं लाई। सो द थिंग इज दैट व्हेन यू कैन स्टॉप फ्रॉम फ्यूचर रिलीजेज टू हैपन, बट व्हाट इज इन देयर पोजेशन इफ दैट हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम देम, यू नो। सो इट्स लाइक इट विल बी अगेन द सेम सिचुएशन। Well, definitely, yes, yes. If I'm producing a film, that definitely that is the route I will take. I mean, why should we? And it's not that it's a very big territory. It's hardly, it's almost insignificant. कंगना ने यहाँ ये भी बड़ा खुलासा किया कि उनकी लाइफ में someone special ने एंट्री ले ली है. You know, like being a young woman, do I have somebody in my life? Yes, but having somebody and dating and marriage, ye log ye degrees hai progress ki. So let's see. कंगना के इस बेबाक और बिंदास अंदाज ने एक बार फिर बना दी हैं सुर्खियां। वीकेंड पर आपके फेवरेट स्टार्स कहां बिजी रहे, लेट्स टेक अ लुक। सबसे पहले बात कार्तिक आर्यन की, जो अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लुका छुपी के प्रमोशंस में बिजी रहे। जहां कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म को मिल रहे रिस्पांस को जानने के लिए पहुंचे गेटी गैलेक्सी, वेल यहां कार्तिक के फैंस उन्हें देखकर इतने एक्साइटेड हो गए कि कार्तिक के सिक्योरिटी गार्ड्स को काफी मेहनत करनी पड़ी। इससे पहले कार्तिक सिद्धि विनायक टेम्पल भी गए थे टू सीक लॉर्ड गणेशा'स ब्लेसिंग्स फॉर हिज फिल्म। जबकि कहो ना प्यार है पैर ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल को किया गया स्पॉट फैशन डिजाइनर टर्न्ड फिल्म मेकर विक्रम फडनिस की फिल्म स्माइल प्लीज के मुहूर्त शॉट पर। मुहूर्त शॉट स्माइल प्लीज ऑल द बेस्ट। और तापसी पन्नू पहुंची मिटीबाई कॉलेज टू प्रमोट हर फिल्म बदला व्हिच इज सेट टू रिलीज ऑन मार्च 8th। तो जहां तापसी बिजी है फिल्म बदला की प्रमोशंस में, वहीं इस फिल्म में तापसी के को स्टार मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और उनकी फैमिली ने सैटरडे को अटेंड की सुजॉय घोष की सस्पेंस थ्रिलर की स्क्रीनिंग। फिल्म कार्तिक के बाद सैटरडे को एक्ट्रेस कृति सैनन भी पहुंची फिल्म लुका छुपी का ऑडियंस रिएक्शन देखने। इसके बाद कृति ने मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताया कि ऑडियंस के साथ उनके फैमिली मेंबर्स को भी ये फिल्म काफी पसंद आई है।
आई एम रियली हैप्पी कि फैमिलीज को पसंद आ रही है. मतलब जो रिएक्शंस मुझे मिले हैं पूरी फैमिलीज को पसंद आ रही है. यहाँ पे भी आई सॉ कि हर तरह के एज ग्रुप के लोग हैं. मेरे पापा का रिएक्शन ना हर फिल्म के बाद होता है अच्छी थी गुड. इसके बाद उनका रिएक्शन था बहुत अच्छी लगी. वो बहुत कम आता है उनके मुँह से. Well, इन स्टार्स के साथ ही जहां सिब्लिंग्स कैटरीना और इजाबेल कैफ को शटरबग्स ने कैप्चर किया आफ्टर देयर डिनर आउटिंग, वहीं स्टार किड्स और कजिन्स इनाया नौमी खेमू और तैमूर अली खान को बांद्रा में किया गया स्पॉट एट देयर एक्टिविटी सेंटर. जबकि शाहिद और मीरा राजपूत ने वीकेंड पर एंजॉय की एक डिनर डेट. सलमान खान और कैटरीना के स्टारर फिल्म भारत की टीम ने इस फिल्म को कर लिया है रैप अप. और इस न्यूज को फिल्म के प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री ने इस वीडियो के साथ किया शेयर. लास्ट वीक रिलीज हुई फिल्म लुका छुपी को देखने जब कार्तिक आर्यन और कृति सैनन के फैंस थिएटर पहुंचे तो यहाँ उन्हें मिला एक सरप्राइज. दरअसल कृति टिकट काउंटर पर अपनी फिल्म के टिकट सेल कर रही थी और ये देखकर कृति के फैंस हो गए काफी खुश. और अब आपको दिखाते हैं कि एक्टर टाइगर श्रॉफ को उनकी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा ने किस तरह दिया सरप्राइज. जैकलीन फर्नांडिस ने सोशल मीडिया पर शेयर की है अपनी ये स्केटिंग वीडियो. तो दूसरी तरफ फातिमा सना शेख ने शेयर किया कि उनके ट्रेनर उनसे जिम में किस तरह करवा रहे हैं वर्कआउट. रिसेंटली कृति सैनन ने एक्टर वरुण शर्मा और दिलजीत दोसांझ के साथ किया अपनी अपकमिंग फिल्म अर्जुन पटियाला का पोस्टर शूट. एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने मार्च 3rd को सेलिब्रेट किया अपना 32nd बर्थडे. और अपने बर्थडे पर जब वो पहुंची अपनी अपकमिंग फिल्म छिछोरे के सेट पर तो यहां उनकी फिल्म की टीम ने उन्हें कुछ इस तरह दिया सरप्राइज. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई. हाय, आई एम आशीष एंड सोनी. And you're watching me on What's Hot, What's Not. There's a burst of color. The sporty influence will continue to be there. And one of the simplest tips I can give you, all of you, is to wear sneakers which suits. That is the hot trend for next season. David Beckham would be on top of that list. He's a fashion icon for me. Then, of course, now as of more recently, somebody I think who wears a suit beautifully is Idris Elba. And someone I've dressed who I think is, again, a suit icon is Gabriel Markt. Particularly this season, I'm sort of a little obsessed with navy. That's what I showed for the current season when I did my show a few months ago. So for me, all the shades of navy are very, very strong, both for men as well as for women. My best kept fashion secret is the fact that I myself love to dress up. Most of the times you won't really see me dressed up because I get limited by the weather in our country. So when I'm traveling, I actually travel with 6 suitcases of only clothes, which only I'm wearing. So I love wearing suits. If I had the option, I'd wear one to work every day. But sadly, because of the weather that I live in, I'm not able to do that. That list is endless, but I think that being said, there's a lot of improvement that I've actually seen on a positive note over the last many years. I think, you know, from so much happening between the magazines, the media, television, men have improved their dressing sensibilities. Over the overall exposure levels have gone up. The kind of stuff they're seeing in the movies has helped them. You know, with so much influence from the social media, the number of mistakes are sort of falling. But one mistake which still bothers me extensively is when I see somebody wearing white socks with a suit. I mean, I almost feel like killing myself. Plaids are something you can wear head to toe, provided that you know how to match them together. However, even in a pantsuit, they look very interesting. You could wear them in a gown, you could wear them as a short dress. So, unfortunately, they've crossed the boundaries between men and women. So please go out there and wear checks. It's a classic,
is something that I don't believe is a trend. It's just something, it's a craft for me. And so please always have something which incorporates tie and dye in your wardrobe. For me, I'm a sort of old school boy, and some things which bother me is when you're trying to sort of infuse ideations into fashion which are not old school. And for me, this will totally not work. Coming up on the show, kya internet wala love ho raha hai band? इंटरनेट वाला लव के फैंस के लिए आई है एक शॉकिंग न्यूज। जी हाँ, सीरियल इंटरनेट वाला लव जल्द ही आप सब से कहेगा टाटा बाय बाय। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्स, सीरियल का लास्ट एपिसोड 8 मार्च को ऑन एयर होगा। इसके ऑफ एयर होने का रीजन इसकी लो रेटिंग बताई जा रही है। स्टोरी में कई ट्विस्ट लाने के बाद भी ये ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाया और जिसकी वजह से इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। एकता कपूर अपने मदरहुड को कर रही हैं खूब एंजॉय। जी हाँ, एकता अपने बेबी बॉय रवि के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं और साथ में एकता के फ्रेंड्स भी इस क्यूट बेबी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हाल ही में एकता ने पोस्ट किया एक वीडियो जिसमें मोना सिंह दिखी रवि के साथ टाइम स्पेंड करते हुए। नेक्स्ट एपिसोड विल क्लीन योर पॉटी। वेलकम यू एट द ग्रैंड फिनाले ऑफ लिव ऑन अहमदाबाद टाइम्स फ्रेश फेस सीजन 11 पावर्ड बाय सेट वेट। Round for today is the introduction round. Game show Ahmedabad. I firmly believe that I've imbibed these qualities from my mother. I recognize myself as a warrior, and along with being physically and mentally strong, I'm a very confident and rebellious person. All right, moving on to the next round is the talent round. To find out who bags the title of Live On Ahmedabad Times Fresh Face Season 11, powered by Setwet,